नमस्कार, आप देख रहे हैं TV29 न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश पाल। समाज सुधारक पार्टी के तत्वाधान में स्वर समाज की मांग को लेकर 23 फरवरी रविवार को ग्राम छिजारसी प्लखुआ उत्तर प्रदेश में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में आरक्षण मुक्त भारत हो SC ST एक्ट पर सरकार द्वारा लगाया गया अध्यादेश वापस हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून राष्ट्र हित में लाया जाए और देश के कृषक के हित में स्वामीनाथ की रिपोर्ट लागू हो, इन चार मांगों को लेकर मंथन किया गया, जिस पर पूरे भारत से आए स्वर समाज के वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। SC ST एक्ट की सरकार से हमारी समाज हित, हमारे जो संगठन है समाज हित की मांग करता है, राष्ट्र हित की मांग करता है और किसान हित की मांग करता है। राष्ट्र हित की जो CA जो लाई सरकार, अच्छी बात है, वो समाज हित में है तो राष्ट्र हित में है। और जो दूसरी मांग है राष्ट्र हित की, हम दो हमारे दो, जो जनसंख्या नियंत्रण कानून उजा लाए सरकार, उसकी मांग करते हैं आप? उसकी मांग करते हैं दोनों, ये हमारे ये समाज राष्ट्र हित की बात। अगले हमारी मांग है जो हमारे समाज का पतन हो रहा है, जो हमारे समाज के युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है, जो एक 90% नंबर लाने वाले को 99% नंबर लाने वाले बच्चे को फेल किया जाता है और 40% वाला बच्चा कुर्सी पाता है, उसका सिलेक्शन होता है, तो ये विडम्बना है। आरक्षण का विरोध करता है, आरक्षण मुक्त भारत चाहिए, विश्व गुरु तभी बनेगा भारत तब हमारा 90% वाला 99% वाला IAS बनेगा, IPS बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, IIT करेगा तब विश्व गुरु बनेगा। हमारी जो डिमांड है सीधी सीधी डिमांड है, स्वर्ण समाज के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और SC ST एक्ट को भारत मुक्त चाहते हैं, SC ST एक्ट में चाहते हैं। आरक्षण में सुलह किस चीज की? सुलह तो इस चीज की है, आरक्षण जिसको मिलता आ रहा है मिल ही रहा है उसको तो, लेकिन अन्य समाज जो है वो आरक्षण से पीड़ित है, इसीलिए आरक्षण मुक्त भारत चाहिए, आरक्षण का विरोध करते हैं। उद्देश्य है SC ST और आरक्षण, आरक्षण का सरकार आरक्षण दे तो आर्थिक स्थिति पर दे, हमें पीस है इस बात की, हमें पीस है और इतनी नहीं बहुत ज्यादा है। तो जो भी है जमीन वाला बच्चा वो आरक्षण में नहीं आता हमारे समाज का, और जो DM है SP है तनख्वाह तो उनकी बस्ती है, वो फ्री में पढ़ते हैं। चोर को चांद भी रात की हर बात बुरी लगती है, घर में अस्थी हो तो बारात बुरी लगती है, और मेरी इन सरकारों का क्या कहना, इन्हें तो भंवर की और बात बुरी लगती है। देश में पार्टी की कमी नहीं है और हर राजनीतिक पार्टी अपने को जनता के बीच नए वादों के साथ जाकर सरकार बनाने का लालच देकर जनता को वोट बटोरने में कामयाब हो रही है, लेकिन SS पार्टी अलग ही अंदाज है। और आरक्षण विरोध है जी, NRC सपोर्ट है, दिल्ली UP में एक आरक्षण का प्रोग्राम आगे बढ़ाना है और SDM साहब को ज्ञापन दिया है कि हमारी आगे जाके मदद किया जाए। यस, और दिल्ली प्रदेश है, प्रभारी दिल्ली प्रदेश है, हमारे अध्यक्ष जी है मतलब बल्लाल रावल जी, हम लोग काफी लगे हुए हैं समाज के काम के लिए और समाज के लिए काम करते, जब तक रूपरेखा बैठ करके आपसे मीटिंग करेंगे, मीटिंग के बाद धरना प्रदर्शन चालू हो जाएगा दिल्ली में भी। देखिए हमारे स्वर्ण समाज इकट्ठा हुआ, स्वर्ण समाज में हमारे कुछ पीछे स्टेट को लेकर आरक्षण को लेकर नाराजगी है और मैं भारतीय जनता पार्टी के होने के नाते इसका समर्थन भी करता हूँ, क्योंकि एक बच्चा 35% ला रहा है, एक बच्चा 85% ला रहा है, 85% वाले का सिलेक्शन नहीं हो रहा, 35% वाले का सिलेक्शन हो रहा है, तो कहां तक गया है। तो मैं कहता हूँ आरक्षण बिल्कुल खत्म करना चाहिए, योग्यता के अनुसार सिलेक्शन होना चाहिए। हमारी समाज सुधारक पार्टी उसका पहला मुद्दा है आरक्षण मुक्त भारत हो, आरक्षण मुक्त भारत हो, योग्यता के आधार पर नौकरियां मिले, जाति के आधार पर नहीं। दूसरी बात, हम SC ST का जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश किया था, पहले जांच हो और बाद में गिरफ्तारी हो, हम चाहते हैं, हम इसका विरोध करते हैं,
के ये जो है पहले गिरफ्तारी और उसके बाद जांच, हम इसका विरोध करते हैं, घोर विरोध करते हैं पार्टी। देखिए सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी पावर है और उसके बाद जो है संसद में इस तरह से पास किया, ये हनन है उनके हकों का। जो टैलेंट है, टैलेंट प्लान कर रहे हैं, योग्यता प्लान कर रही विदेशों में। देखिए आप विदित है कि आज जो आरक्षण या जातिगत आधार पर कानून है उसमें आपस में बहुत अधिक वैमनस्यता बढ़ रही है। जनसंख्या अधिक होने से सारे विकास बाधक है। कोई भी विकास कार्य करे तो उसमें कहीं ना कहीं जनसंख्या आड़े आ जाती है। इसके अलावा सरकार ऐसे अगर कानून बनाएगी कि बिना जांच गिरफ्तारी ये कतई स्वीकार्य नहीं है। तो हमारा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ये सर्वसम्मति से निर्णय ले चुका है कि राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट जो बनी है उसको हम राष्ट्रीय क्षत्रिय जन संसद ने उसको निरस्त कर दिया है। और किसी भी कीमत पर, क्योंकि हम राम के वंशज हैं, जब तक 51% क्षत्रियों की सदस्यता नहीं दी जाएगी तब तक हम उसके खिलाफत करेंगे।